हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग वर्ल्ड में आप लोगों का वेलकम करती हूं। तो फ्रेंड, आज है संडे और संडे को मैं दिखाऊंगी पहले अपने फ्लावर की ब्लूमिंग। देखिए कितनी अच्छी फ्लावर खिली हुई है, येलो में बीच में रेड शेडेड हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और बीच वाले ये देखिए कितने एक प्राकृतिक का एक अजब ही बना रहता है फ्लावर, एक से एक फ्लावर जो कि हमेशा मन को छू जाता है। देखिए कितना सुंदर कलर इसमें रचा गया है, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। और इधर देखिए कलियाँ भी बनी हुई है जो कि मैं आपको दिखाई थी, बहुत ही सुंदर से बहुत सारी कलियाँ इसमें आई हुई है और अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। तो आज का टॉपिक मेरा है सीड्स के ऊपर। आज मैं कुछ विंटर की तैयारी करने वाली हूँ, तो चलिए मैं दिखाऊँगी अपना विंटर की तैयारी में मैं क्या करूँगी फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं लगाने वाली हूँ ये वाला सीड्स जो कि मैंने गोविंद भाई से ऑर्डर करके मंगवाई थी। तो देखिए ये है कैलेंडुला का FG मिक्स और ये है कैलेंडुला का बोन येलो। ऐसे थोड़ा मतलब कि वो घने वाले फ्लावर खिलते हैं। तो अभी मैं पूरा सीड्स नहीं लगाऊंगी फ्रेंड, थोड़ा सा ही लगाऊंगी। और आप सीड्स को ऐसे मतलब कि लगाइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वेदर बहुत ही अच्छा है अभी, और 10 दिनों तक वेदर आप चेक कर सकते हैं गूगल भाई पे, गूगल भाई से चेक करिए, वहाँ पे अपना सिटी और वेदर लिखिए, और लिखने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि आपके 10 दिन अगले 10 दिन तक कैसा मौसम रहेगा। तो उस मौसम के अनुसार आप अपना मतलब कि सीड्स को लगा सकते हैं। तो उसी तरह से चेक करिए, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। और अभी सीड्स मैं लगा सकती हूँ। तो बहुत सारे सीड्स मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, आप लोगों को सीड्स का वीडियो आप मेरे चैनल पर देखे होंगे। तो देखिए ये मेरा सॉयल है, तो इसमें रेत मिली हुई है, इसमें पहले से बीज लगा हुआ था, पहले मेरा मतलब कि प्लांट लगा हुआ था, तो उसी को मैंने अच्छे से धूप दिखा लिया है और रेडी कर लिया। ये थोड़ा सा मेरा कोकोपीट है, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ फ्रेंड, इसलिए मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। और उसके बाद देखिए ये रेत है, राइस हस्क है और ये कोकोपीट है, तो इसमें सबको मैं मिला दूँगी। तो देखिए मैं मिला देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये है फंजीसाइड पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें फंजीसाइड पाउडर भी मिलाऊंगी, थोड़ा सा देखिए इतना सा मैं मिला देती हूँ। और थोड़ा सा मैं ढक्कन में रखूँगी क्योंकि सीड्स को भी मिला करके इसमें लगाना है। और इसी तरीके से देखिए ये मेरा बन गया सोयल, अच्छे से रेडी हो गया। और अब मैं इसको इसमें लगाने वाली हूँ। देखिए जैसे कि मैंने दो बीज दिखाया, एक कैलेंडुला और ये देखिए ये दोनों कैलेंडुला है। और उसके बाद ये क्रिएटिव फार्मर से मैं मंगवाई थी, क्रिएटिव फार्मर का सीड्स है मेरा पिटूनिया का। एक रॉयल ब्लू है, एक रेड कलर है फ्रेंड, और एक वाइट कलर है। तो ये तीनों कलर मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, क्योंकि सारा सीड्स मैं एक बार नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद देख लेती हूँ कैसा होता है। अगर अच्छा प्लांट निकल के तैयार होगा तो अच्छी बात है, फिर से मैं इसको लगा सकती हूँ। तो पहले सबसे पहले देखिए मैंने ये लिया है कॉफ़ी कप जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें पहले मार्कर से मैं नाम लिखूँगी, देखिए रेड पिटूनिया, रेड पिटूनिया, ये है ब्लू, ब्लू और ये है वाइट। देखिए मैंने लिख दिया। और देखिए ये है कैलेंडुला का, इसमें बोन लिख देती हूँ, बोन। तो फ्रेंड्स देखिए ये तैयार कर ली हूँ मैं, और मैंने नाम भी लिख लिया बोन कैलेंडुला। तो सबसे पहले मैं बोन कैलेंडुला भी इसमें डालने वाली हूँ बीज। और देखिए सबसे मैं इसमें सोयल भर लेती हूँ। और फ्रेंड आप जैसे कि मैंने वेदर के बारे में बताया, तो मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने मेरे 10 दिनों तक मेरे शहर के मौसम कैसा है। तो आप भी वेदर चेक करके आप बीज को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और मैक्सिमम 30 डिग्री से 25 डिग्री तक मिनिमम रहना चाहिए मौसम, मेरे यहाँ तो कम ही है उससे, बहुत ही अच्छा मौसम है, इसलिए मैंने बीज इसमें मैं लगा रही हूँ फ्रेंड। तो देखिए थोड़ा सा मैं इस तरीके से पहले भर लेती हूँ सभी को, और थोड़ा सा पहले मैं इसको गीला कर दूँगी फ्रेंड, इसको हटा करके नीचे कैलेंडुला में दोनों में पहले भर लेती हूँ।
क्योंकि मुझे दोनों कैलेंडुला में डालना है। और पहले मैं मॉइस्चर इसको गीला कर दूंगी थोड़ी मिट्टी को, सॉरी सॉइल को। फ्रेंड देखिए ऐसे कर दिया मैंने, कोकोपीट हल्का ही डाला है क्योंकि इसमें मिला हुआ था थोड़ा। देखिए पहले मैं मिट्टी को गीला कर दूंगी ताकि सीड्स, पिटूनिया के भी सीड्स बहुत बारीकी हैं, कैलेंडुला के तो सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं बैठा सकती हूँ एक एक करके, लेकिन फिर भी मैंने नीचे इसको बैठा दिया तो वो अच्छा है। देखिए फ्रेंड अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बोनबोन है तो पहले मैं बोनबोन वाला लूँगी। बस मैं थोड़ा सा सीड्स बचा लेती हूँ, देखिए पहले ऐसा इतना ही डालूंगी। देखिए तो आप हल्का सा मैं देखिए इसमें से फंजीसाइड पाउडर मिलाते हुए सभी में, ताकि कोई तरह का हमारे सीड्स को फंगस ना लगे। देखिए अच्छी तरीके से इस तरीके से आप बैठा सकते हैं, थोड़े से गैपिंग रखिएगा, गैपिंग रखने से प्लांट अच्छे हेल्दी होते हैं। और सबसे खास बात होती है इसमें हम लोग निकालने में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड, तेरी वाला। तो फ्रेंड्स देखिए ये एफजी मिक्स वाला कैलेंडुला है, तो ये देखिए मैं इसको भी लगा लेती हूँ बारीकी से। और इसी तरीके से एक एक सीड आप बैठा सकते हैं, और देखिए मैं सारे को बैठा दूँगी। मैंने थोड़ा ही सीड से मैं इस बार ली हूँ फ्रेंड, क्योंकि इस बार नहीं मैं लगाऊंगी और भी, पहले देख लेती हूँ कैसा है मौसम के अनुसार, आगे और भी मौसम अच्छे आने वाले हैं। और पिछले साल के कैलेंडुला देखिए, अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े से सोयल को, अच्छे से आप कवर कर दें ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए और इनको ग्रो होने में दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके से आप हल्की हल्की, तो देखिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा फ्रेंड, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अब मैं इसमें स्प्रे करूंगी पानी, लेकिन अभी रुक जाती हूँ, कर दूंगी एक साथ सभी को। ये देखिए दोनों मैंने लगा दिया कैलेंडुला, और अब मैं लगाऊंगी इसमें पिटूनिया, रेड पिटूनिया है तो मैं रेड पिटूनिया डालने वाली हूँ इसमें, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी कप लिया है, थोड़ा सा ही डालने वाली हूँ बीज। तो देखिए, और ये है ब्लू, ब्लू इसमें ब्लू डालने वाली हूँ, पहले मैंने सोयल इसमें भर लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स सीड्स लगाना आसान है, उसका केयर करना उतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, क्योंकि अगर मौसम सही है तो फिर बीज अच्छे से हो जाते हैं, अगर मौसम सही नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होता है ग्रो होने में, तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हमेशा इसमें पानी चेक करके ही दें। देखिए मैंने तीनों का, सबसे पहले रेड पिटूनिया मैं निकालूंगी, तो रेड पिटूनिया देखिए मेरा कौन सा है, देखिए ये मेरा रेड पिटूनिया है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा रेड पिटूनिया, पहले मैं इसी को निकालूंगी, और इनका पैकिंग भी बहुत ही अच्छा है, देखिए कितने अच्छे से पिनअप करके। देखिए अभी मैं इसको खोल ही रही हूँ, तो देखिए पैकिंग भी बहुत ही अच्छा है, और बहुत बारीकी सीड्स, पिटूनिया का सीड्स बहुत बारीक होता है। देखिए फ्रेंड्स कितना सा मिला है, तो देखिए मैं थोड़ा ही लूंगी। इसी में बहुत सारे प्लांट मेरे हो जाएंगे, देखिए मैं इतना सा बचा ली हूँ, और बहुत ही अच्छा पैकेट में है, तो कि फिर इसको आप पैक करके रख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा है, रेड वाला मुझे रेड वाला में डालना है। देखिए तो मैं थोड़े से पानी से पहले इसको भिगा लेती हूँ, और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं रेड वाला लगाऊंगी उसी तरीके से मैं सारे सीड्स लगा दूंगी फ्रेंड। तो इसी तरीके से आप लोग भी देखिए, ऐसे उठता भी नहीं है, देखिए कितना बारीक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए देखिए बस धीरे धीरे मैं इसमें स्प्रिंकल करूंगी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बारीकी सीड्स हैं, तो इसी तरीके से मैं सारे सीड्स को लगा दूँगी फ्रेंड, और मैं इसका अपडेट देते रहूँगी आप लोगों को। देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया, और इसी तरीके से हल्के से मैंने हल्का ही डालूँगी, ज़्यादा सोयल में नहीं डालूँगी, बस स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि बीज बहुत बारीक हैं, और ज़्यादा अगर इसके ऊपर मैं सोयल डालूँगी तो वो नीचे दब जाएंगे,
और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो बस थोड़ा ही डालूंगी और इसमें पानी मैं स्प्रे करके डालूंगी। तो देखिए, और मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने पिछले साल जो अपने प्लांट से सीड्स को कलेक्ट करके रखा था, ये है कैलेंडुला का। कितना अच्छा, देखिए आपको मैं इसका अपडेट दे रही हूँ। देखिए, ये कैलेंडुला है और ये देखिए कॉफ़ी कप में लगाई हूँ मैं, ये आपको दिख रहा होगा, नाम बताती हूँ। देखिए, ये डेंथस है। देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेशन हुए हैं इसके। और एक ये मेरा लोबेलिया है, लोबेलिया का भी कलेक्शन मेरे पास पर्पल है, लाइट पर्पल है, पिंक है। देखिए कितना बारीक सा प्लांट हुआ है और मुझे लगा नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन हो गया फ्रेंड। बहुत ही खुशी मिल रहा है मुझे ये वाला सीड्स को मैं कलेक्ट करके। फर्स्ट बार प्लांट लेके आई थी पिछले साल अपने गार्डन में, और इसके सीड्स को मैंने फर्स्ट बार अपना एक मेरा मतलब कि एक सीड्स को निकालने का पहला ही तजुर्बा था, और निकाली, बहुत ही अच्छा हो गया। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरीके से इसकी अब प्लांट वो तैयार हो जाएंगे तो बहुत ही खुशी मिलेगा। तो फ्रेंड मैं इसी तरह से सबको लगा लूँगी। तो